हाय डूड्स, आई एम डूइंग वेल एंड आई होप यू आर आल्सो डूइंग वेल। जैसा कि फ्रेंड आप लोगों को पता है कि हमने पिछले पार्ट्स में ब्रह्मांड, सूर्य, बुध और मंगल ग्रह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आज हम लेके आए हैं पृथ्वी और मंगल ग्रह में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबके सब क्वेश्चन बताएंगे जो भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम सही और 69,000 शिक्षक भर्ती हो या SSC हो, कोई भी एग्जाम सही उस प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण है, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर या आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो वो है श्यान द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 सेकेंड 17 मिनट। एक दो बुकों में वेरिएशन मिलता है, किसी में 16 किसी में 18 सेकेंड दिखा देता है। तो अगर इससे रिलेटेड आसपास कोई ऑप्शन होता है तो वो आंसर करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 356.25 दिन या 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वह है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है, तो 27.83 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है पृथ्वी का परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो दीर्घवृत्ती धुरी से 20 साढ़े 23 अंश या 23.5 अंश या इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 1/2 भी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन है, तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में थुम्मा से गुजरती है। इज द राइट है, तो मतलब जो विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में थुम्मा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन, पृथ्वी के अक्ष के ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण। परिभ्रमण के कारण दिन रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती हैं, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम बदलने के का कारण है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, उदाहरणतः दिल्ली शहर में दिन में उदाहरणतः दोपहर 12 बजे। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं, तो झुकाव अधिक होने के कारण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी, तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 अक्षांश के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निवास वेग मिल जाता है। तो ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परतः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंदें पृथ्वी के परतः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोर बना होता है तो लोहा और निकिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सो गाइस, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मंगल ग्रह से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, इस वीडियो में नहीं बताने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में, अपना अगले पार्ट में कल तक हम इस पार्ट अपलोड कर देंगे मंगलवार के, जो भी मंगल ग्रह के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन होगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।